सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बच्चों फ्लूइड्स मैकेनिक्स। तो बच्चों काफ़ी दिन से मैं नहीं आ पा रहा था, सिस्टम में ही काफ़ी इशू हो गया था बच्चों, हार्ड डिस्क वगैरह क्रैश हो गई थी, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया और अभी भी थोड़ा सेटिंग्स वेटिंग्स ठीक नहीं है, तो वही सब करने में काफ़ी टाइम चला गया। तो चलिए आज कोशिश की है मैंने कि आज हम आपसे मिलें और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में उनको फिनिश कर। एक दिन मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था और उसके बाद ही जब मैं अपलोड करने जा रहा था तो उसके पहले ही जो है निपट गया था बच्चों ये सारा सिस्टम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा, देखिए, वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब सोन इन फिगर। तो ये फिगर आपको दिया गया है, तो वाटर इससे फ्लो कर रहा है एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइड एंड द नैरो पोर्शन ऑफ द ट्यूब आर। तो देखिए यहाँ पे दो पोर्शन है, एक पोर्शन में जो एरिया है वो दिया गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो ए पोर्शन बोलता हूँ मैं, उसका एरिया ए ए, और एक पोर्शन और दिया गया दैट इज़ बी पोर्शन, और वहाँ का जो एरिया दिया गया दैट इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो दो जगह एरिया दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड में कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ब्लू से आई थिंक दोनों जगह लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, और यहाँ भी सही आएगा। तो चलिए अगर चेंज करना होगा तो कर लें, लेकिन आई नीड राइट नाउ कलर हियर। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है, ये एक एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है जिसको हम लोग ए ए बोल रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, और एक ये देखिए आप एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो है ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, काफ़ी हल्का आ रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी सेटिंग्स चेंज हो गए, तो मैंने बॉल पॉइंट पेन लिया था, अब मैं अगर ये लूँ ये थोड़ा मोटा है, ठीक है, हाँ, तो अब आई थिंक अब थोड़ा अच्छा फील आ रहा है ना। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बच्चों, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो पहले भी हमने समझाया था कि वो जो आपका क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती ना, A1V1 इज इक्वल टू जो A2V2 करते हैं हम ना, समझ रहे हो, वो जो होता है ना वो आपका रेट ऑफ फ्लो होता है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपको चाहिए फाइंड द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल्स इन द यू ट्यूब। ये जो ये दिख रहा है, ये जो ट्यूब है इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये जो H है ना ये फाइंड आउट करना यहाँ पर चाहते। तो आई होप ये काफ़ी आपको समझ में आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बर्नौलीज तो लगाना ही पड़ेगा हमें, अगर हम लोग प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पर देखना चाहते तो वी शुड बी एबल टू फाइंड द बर्नौली प्रिंसिपल हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए लेट मी चेंज नाउ कलर, कलर चेंज करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट ए इनटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू कितना था भाई, 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एरिया कितना था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर की तरफ लिखते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये कुछ 100 आ रहा है, 100। तो वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड दोस्तों। अब क्या आप वेलोसिटी एट बी भी निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट इट, हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 5 into VA इज इक्वल टू 2 into VB। अब VA तो पता ही है, तो 500 हो गया ये और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो VB निकल के 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। आप चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी इसको निकाल सकते हैं, 100 से ही डिवाइड करना, 1 और 2.5। तो ये अपने को अब वेलोसिटी पता चल गई है। अब देखिए हमें ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, इसी की हेल्प से हम ये हाइट निकाल सकते हैं मरकरी वाला, है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग बच्चों यहाँ पर, कि अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, यानी हम और देख एक चीज़ और देखें यहाँ पर, आप एक बात का ध्यान नहीं दे रहे होंगे आप यहाँ पर, यहाँ पर जो भी है ये इनका, अगर आप मिडिल लाइन देखें, एक सेकेंड यहाँ पे मैं मिडिल लाइन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप मिडिल लाइन देखें ना, ये मिडिल लाइन,
तो देखिए यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस है दोनों का वो सेम है, यानी कि बर्नौलीज के इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस लेते हैं वो नहीं लेना है, ठीक है, ये बात मैं बताना चाहता था। तो आप क्या लिखोगे, हाफ डेंसिटी इंटू वी ए का होल स्क्वायर, तो इधर आप प्रेशर लिखोगे, पी बी इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर। तो ये प्रेशर का जो डिफरेंस है दैट इज पी ए माइनस पी बी, दिस इज नथिंग बट हाफ डेंसिटी इंटू वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, हो जाएगा ये बात। अब ये जो पी ए बाई पी बी है यानी कि डेल्टा पी जो ये आ रहा है दैट इज रो जी एच, और यहाँ पे मरकरी का आपको लेना पड़ेगा, वो हाइट ही तो है शायद आपको पता करना है क्वेश्चन में, ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट, यही पता करना है। तो बस आप यहाँ पे रो ऑफ मरकरी रख दीजिए, जी रख दीजिए, हाइट निकालना है, एंड दिस इज हाफ रो इंटू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है। तो एच निकाल लीजिए आप, ये तो साइड डिवाइड हो जाएगा, क्या बोलते हो, रो अपॉन रो एच जी और साथ में जी नीचे, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। बाकी वैल्यूज रखनी है आपको, तो हाफ ये इससे 13.6 होता है आई थिंक, ठीक है, मरकरी का कितना होता है 13.6 रिलेटिव डेंसिटी होती है, ये 1 लेंगे तो ये 13.6 हो जाएगा, ये 10 है, और मीटर वगैरह में कर लेते हैं इसको, ये ढाई और कितना आ रहा था, ये 1 मीटर पर सेकेंड है, और ये आ रहा था आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड, ना 100 से डिवाइड कर दो, 100 से क्या करो डिवाइड कर दो बच्चों, तो वी बी कितना था, ढाई था, वी बी वॉज ढाई बच्चों, वी बी वॉज ढाई, यानी ढाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे हाफ इंटू 13.6 इंटू 10, और ढाई माइनस 1 मतलब 1.5, और 2.5 प्लस 1 दैट इज 3.5, तो कर लो इसको 1.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू 13.6 इंटू 10, ये आप थोड़ा सा निकाल लीजिए, और क्योंकि ये नीचे आई थिंक बड़ा बड़ा आ रहा है तो इसको आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो बाकी आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल रहा है 1.97 सेंटीमीटर, दैट इज योर हाइट। तो आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाट वी डिड, हमने पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज़ करके वेलोसिटी एट ए पता किया और फिर वेलोसिटी एट बी पता किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया और वहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइट डिफरेंस इन मरकरी, है ना, बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ प्रेशर डिफरेंस, वो हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, बहुत बढ़िया से। एंड ये देखिए थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है और कई सारे पार्ट हैं इसके अंदर, आई थिंक डी डी तक है, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फिनिश दिस ऑल्सो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34, पहले तो मेरे को इसका थोड़ा कलर वलर चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ऐसा कलर जो दोनों जगह कुछ देर तक काम कर पाए। तो वाटर लीक्स आउट फ्रॉम एन ओपन टैंक थ्रू अ होल ऑफ एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर इन द बॉटम। तो एक वाटर टैंक है दोस्तों, ठीक है, एक वाटर टैंक है जिसमें एक होल है, यहाँ पर छोटा सा होल है, बड़ा सा दिख रहा है आपको, एंड दैट होल का जो एरिया है दैट इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर इन द बॉटम। सपोज द वाटर इज फिल्ड अप टू द हाइट 80 सेंटीमीटर तक, इसके अंदर वाटर फिल्ड है दोस्तों, कितना तक, 80 सेंटीमीटर तक इसके अंदर वाटर फिल्ड है, एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक, ऊपर ज़्यादा एरिया है तो दैट इज 0.4 मीटर स्क्वायर। तो ये सारा आपको एक बार में पढ़ना होता है बच्चों एग्जाम में, 10 घंटे में, ये नहीं कि आप पढ़ते ही रहो बस एक ही चीज़ को, ठीक है, यहाँ तक मैंने देखो मार्क कर लिया। द प्रेशर एट द ओपन सरफेस एंड एट द होल आर इक्वल टू द एटमोस्फेयरिक प्रेशर, क्योंकि ये खुला हुआ है तो ये जो है आपके एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ पर भी पी ए टी एम प्रेशर है और ऊपर भी खुला हुआ है तो वहाँ पर भी पी ए टी एम प्रेशर है, ये बोल रहे हैं लोग, ठीक है। निगलेक्ट द स्मॉल वेलोसिटी ऑफ द वाटर नियर द ओपन सर्फेस इन द टैंक, तो ऊपर कह रहे हैं कि वेलोसिटी को 0 ले लेना आप, तो
फिर नेक्स्ट है कि फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, बस यही करना है। ठीक है, आपको इनिशियल स्पीड पता करनी है जो वाटर होल से आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये 80 सेंटीमीटर का वहाँ पर वाटर स्टोर्ड है। तो बर्नौलीज लगा सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हो बच्चों, बर्नौलीज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल। तो प्रेशर, तो अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ बिकॉज आई हैव टू लाइक यूज हियर। तो अब प्रेशर ये वाला पोर्शन ए बोल दूँ और मैं ये वाला पोर्शन बी बोल दूँ, स्मॉल से बोलूँ जिससे भी बोलूँ, तो प्रेशर तो एटीएम ही है यहाँ पर। और यहाँ पे वेलोसिटी दोस्तों जीरो है, तो हाफ रो स्क्वायर जीरो है। लेकिन यस, यहाँ पर रो जी एच लग जाएगा, रो जी एच ऑब्वियसली लग जाएगा। फिर दूसरी तरफ पी ए टी एम है और वो निकालना है आपको हाफ रो वी स्क्वायर, दैट इज वॉट यू नीडेड टू फाइंड आउट। और यहाँ पर ही हाइट को हम लोग एज अ बेस में मान रहे हैं, तो जीरो। अब आई थिंक पी ए टी एम से पी ए टी एम कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला सुना हुआ आपको लग रहा होगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, है ना? ये सुना हुआ लग रहा होगा, ये फॉर्मूला आप डिराइव भी कर लेते हो। अगर डेंसिटी सेम है और सब ये सब वेलोसिटी ऊपर छोटा मोटा है, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। तो बहुत ही आसानी के साथ अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि 2 × 10 × 80/100 ये एक सेकेंड, तो 2 × 10 × 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओ मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली दैट इज मीटर। तो वी कितना आ रहा है, 4। तो वी इज कमिंग एज 4 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज योर ए का ऑप्शन। ठीक है, तो क्लियर है क्या? है पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट व्हेन द हाफ ऑफ द वाटर हैज लीक्ड आउट। अब यहाँ पे देखिए, हाफ ऑफ द वाटर हैज लीक्ड आउट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू पुट 80, यू हैव टू पुट 40 सेंटीमीटर हियर। तो बी पार्ट में जब आप वेलोसिटी, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम बच्चों, भाई अभी भी वो ऊपर का पोर्शन का आपका वेलोसिटी को जीरो ही माना जाएगा। तो आप फॉर्मूले में इस बार एच बाई टू रखने वाले हो, तो यानी कि 10 और 80/100 हो जाएगा दोस्तों। तो ये दो जीरो काट के वेलोसिटी जो आएगी दैट इज 2√2 मीटर पर सेकेंड, 2√2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द राइट वन। तो बी पोर्शन डन हो गया है, सी पोर्शन में आ रहे हैं हम लोग। सी पोर्शन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डी टी आफ्टर द हाइट रिमेंड इज एच। जब हाइट एच रिमेन करती है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यूरिंग दैट टाइम जो है निकला है। दस फाइंड द डिक्रीज इन हाइट इन टर्म्स ऑफ एच एंड डी टी, ये बताना दोस्तों। अब हम लोग क्या करें, फिर से इधर की तरफ बढ़ते हैं और ये सी ऑप्शन कर रहे हैं। अच्छा, वो नीचे निकल रहा है वो, ठीक है, बार बार। तो मान लीजिए ये हाइट है नीचे से एच, तो ये जो पोर्शन जो इस पर्टिकुलर टाइम में कम हुआ है वो मान लेते हैं हम लोग डी एच कम हुआ है। ठीक है, देख लो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग अ छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी आफ्टर द हाइट रिमेंड इज एच। ये हाइट रिमेंड इज एच, तो ये डी एच है और ये डी टी टाइम में चल रहा है। क्लियर है? और क्या क्या दिया है देखो, आफ्टर द हाइट फाइंड द डिक्रीज इन हाइट डी एच इन टर्म्स ऑफ एच एंड डी टी, ये करना है। अब आप एक चीज देखो कि कितना वॉल्यूम यहाँ से मतलब हट रहा है पर सेकेंड, पर सेकेंड कितना वॉल्यूम हट रहा है ये आप देखो। तो वॉल्यूम इन टाइम डी टी बताओ, वॉल्यूम इन टाइम डी टी बताओ कितना है, डी एच और एरिया, एरिया ऑफ द बड़ा क्रॉस सेक्शन इनटू डी एच, दैट इज द वॉल्यूम इन टाइम डी टी जो निकल रहा है। एंड दिस वॉल्यूम इज कमिंग आउट हियर, यहाँ से वॉल्यूम जो है सेम ही निकलेगा। एंड दैट इज वॉट, हाउ मच, यहाँ का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अगर हम ए मान लें तो दिस विल बी नथिंग बट ए इंटू वी इंटू डी टी। वॉट डू यू से,
वेलोसिटी से जा रहा है डी टी समय तक, तो लेंथ ले लोगे, एरिया तो है ही है, जैसे मान लो ये एरिया है वो लेंथ कितना लोगे, वेलोसिटी इंटू डी टी इतना आपका निकला। तो जितना पानी ऊपर से कम हो रहा है उतना ही यहाँ से निकलेगा, कुछ स्टोर नहीं हो रहा है कहीं पर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मान लिया यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी एच इज इक्वल टू ए वी डी टी कर सकते हैं बोलो, और v को लिख सकते हैं रूट टू जी एच, वो फॉर्मूला आ ही रहा है अपना, तो डी एच ही तो निकालना है शायद। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डी टी आफ्टर द हाइट रिमेंड इज, दस फाइंड द डिक्रीज इन डी एच इन टर्म्स ऑफ एच एंड डी टी। अच्छा तो ठीक है, वॉल्यूम तो हो ही गया, वॉल्यूम ए डी एच इज नथिंग बट ए वी डी टी, तो यू कैन राइट ए रूट टू जी एच इंटू डी एच डी टी हो जाएगा। अच्छा एरिया कितना, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वॉज गिवेन इन द प्रॉब्लम, आप उसको यूज़ करिए, छोटा वाला है 2 mm² एट द बॉटम, सो जस्ट यू नीड टू पुट दैट 2 mm का होल स्क्वायर इंटू रूट टू जी एच इंटू डी एच, है ना। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो मीटर में तो 2 × 10⁻⁶ कर दो, तो ये आपका वॉल्यूम है, ए डी एच इज वॉल्यूम, यही पूछ रहे हैं वो लोग। तो एक पार्ट तो ये पूछ रहे हैं उसी में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीक्ड आउट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डी टी, यही पूछ रहे हैं, क्या बोलते हो, ठीक है यही पूछ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, दस फाइंड द डिक्रीज इन हाइट डी एच इन टर्म्स ऑफ एच एंड डी टी। नेक्स्ट ऑप्शन में दे आर टेलिंग कि आप ये डिक्रीज इन हाइट बताओ इन टर्म्स ऑफ, ये क्या होगा डी एच, तो भाई डी एच निकालने के लिए कौन सा बड़ा हीरोपंती करनी है आपको, ए से डिवाइड कर दो जाके, रूट टू जी एच डी टी कर दो जाके, है ना, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी रख दो, तो हम लोग इधर आ जाते हैं, तो ऊपर तो 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, और क्योंकि मीटर स्क्वायर में ना इधर वाला है 0.4 भाई, तो 4 × 10⁻¹, बाकी सब तो वही रहेगा रूट टू जी एच वगैरह डी टी। आई डोंट थिंक कि वहाँ कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका रूट टू जी एच डी टी। तो ये आपका 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 10⁻¹, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर तो 20 बन गया, 4 × 5 = 20 हो गया, यहाँ जो 10 गया उसने 10⁻¹ को उड़ा दिया, तो ये आपका आंसर आना चाहिए डी एच इज इक्वल टू 5 × 10⁻¹ dt। तो ठीक है भाई, यही चेंज इन हाइट है, यही सी ऑप्शन है, यही पूछा है दो पार्ट क्वेश्चन के अंदर इन टर्म्स ऑफ एच एंड डी टी। अब फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पार्ट सी निकाल ही लिया, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर टू हाफ ऑफ द वाटर टू लीक आउट। अच्छा भाई तो ये क्या कह रहे हैं कि आप ये पता करके हमको बता दो कि आधे समय में आधी हाइट में कितना समय जाता है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट ईजी, डी टी तो निकालना है, टाइम निकालना है, डी टी को इधर रखो बच्चों, और ये सब डी एच अपॉन रूट एच वाली चीज़ इंटीग्रेट होगी, बाकी सब तो ऐसे ही है, 5 × 10⁻¹ रूट टू जी, वो आपको करना ही करना है। देख लो भाई ये ऐसा ही है क्या, ऐसा तो नहीं है, ये नीचे जाना है, तो ढंग से इसको नीचे भेज दो भाई, डी एच अपॉन रूट टू जी एच, और यहाँ पे 5 × 10⁻¹, और ये सब नीचे जा रहा है रूट टू जी, यही बचा आई थिंक टाइम। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप टी निकाल लो, तो हमने तो 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर दिया और जो टाइम चाहिए था वो आ गया, यहाँ जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 से t हो गया, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो तो h/2, पहले h रहता है और बाद में h/2 हो जाता है, ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब देखिएगा भाई ये सब तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही बेसिक इक्वेशन बना दी है टी, तो 5 × 10⁻¹ रूट टू अलग से, रूट टेन भी है, अच्छा रूट टेन है 4 × 5 = 20, है ना, 20 हो गया, और 20 में 20 हो गया तो 4 बाहर आ गया, तो 2√5 भी आ गया यहाँ पर, ठीक है बहुत बढ़िया, ये हो गया। और dh/√h का इंटीग्रेशन
डी एच बाई रूट एच का, तो एच की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, क्या बोलते हो? यही तो होगा। तो ये बचा रूट एच डिवाइडेड बाई टू रूट एच, और टू आ गया बाहर, और रूट एच बाई टू माइनस ऑफ रूट एच ये आएगा। टू टू कैंसिल हो गया है, तो टाइम जो आ रहा है दैट इज़ रूट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स, ऐसा कुछ आया है। वो नीचे था भाई, क्या कर रहे हो? आई डोंट नो हाउ आर यू पुटिंग दैट थिंग। हाँ देखो नीचे था, कुछ भी हो रहा है, और सब ठीक है ना? हाँ यहाँ था, फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपका नीचे है, फिर पूरा गड़बड़ हो गया भाई। वन बाई रूट टू, फाइव फोर फाइव जो 20, टू रूट फाइव आया था ये, और यहाँ पे एक और फाइव है, और ये ऊपर चला गया 10 की पावर 6 बनकर, ठीक है भाई यहाँ तक ठीक है। और ये सब थोड़ा सही करो इसको, 10 की पावर 6 अपॉन टू रूट फाइव इंटू फाइव, ठीक है। और यहाँ वैल्यू रख दो 80, 80 माइनस 40, ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 रूट 40 माइनस रूट 80, ठीक है, नेगेटिव आएगा। पहले पहले है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, दिस इज गेटिंग डिक्रीज, तो वो तो टाइम नेगेटिव नहीं होगा, ये बात तुम समझ लेना, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, बाकी ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और इसको आपको जो है चेंज करना पड़ेगा, इनकी यूनिट्स को आर में चेंज करना है, ठीक है। बाकी कर लोगे ये सब, आप चाहो तो 80/100 करके इनको मीटर वगैरह में भी कर लो। पहले तो सेकेंड में आएगा, ठीक है, फिर बाद में इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, तो कुछ तो आएगा 6.5 आर्स, ठीक है। और कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? बाकी तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करना, तो यू विल बी गेटिंग 6.5 आर। सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाटर लेवल इज मेंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल अप टू अ फिक्स्ड हाइट एच। ठीक है, वाटर लेवल इज मेंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल अप टू हाइट एच, ये देखो अ फिक्स हाइट एच है वो, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, वो इतना पानी आ रहा है कि जितना निकल रहा है उतना ही लगातार आ रहा है, जिससे कि एच ही हाइट मेंटेन रहे। द वेसल इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है भाई। एट वॉट हाइट अबव द बॉटम शुड अ होल बी मेड इन द वेसल, कितनी हाइट पे वाटर की ये जो है वेसल पे ये बनाया जाए, जिससे कि वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द होल स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द वेसल। बहुत ही सुंदर, तो एक तो आप ना इसको लिख सकते हो भाई, टाइम वाइम की बात है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर जब ये यहाँ आएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। अभी फॉर्मूला देखा आपने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू जी इंटू ऊपर के हाइट एच माइनस एच, यही होगी वेलोसिटी यहाँ पर, एफ्लेक्स वेलोसिटी बोलते हैं इसको, वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच। और अच्छा बताओ, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर भी लग जाएगा दोस्तों, तो टी जो होगा दैट इज टू एच बाई जी का अंडर रूट। चाहो तो हम निकाल लो, यहाँ पे ग्रेविटी लगी रही है, पूरा वही है ना, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी, यही समय लगेगा। तो ये नीचे वाले हाइट के ऊपर ये डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, क्या बोलते हो? अब आपको रेंज को अगर मैक्सिमाइज करना है, तो रेंज तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स है, यानी कि रूट टू जी इंटू एच माइनस एच इंटू टाइम है, विच इज ऑल्सो अंडर द रूट रूट टू एच बाई जी। तो ये रेंज को मैक्सिमाइज करना है इन टर्म्स ऑफ हाइट की, कहाँ रखा जाए जिससे कि मैक्सिमाइज हो। अब देखो यहाँ से दिमाग का वह काम है आपका,
रूट जी तो उड़ गया भाई, वो सबसे अपने को मतलब ही नहीं है। टू टू फोर हो जाता है, फोर का टू हो जाता है, तो दिस इज नथिंग बट जो रेंज आ रहा है, जो रेंज आ रहा है दैट इज रूट टू, तो बाहर आ गया एच माइनस एच इन टू एच, रेंज इज इक्वल टू रूट ऑफ एच माइनस एच इन टू एच, ठीक है क्लियर। और एक टू भी है, तो ये कुछ रेंज का जो है वो इस तरीके का। अब देखिए, अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो ये जो रेंज का स्क्वायर है ये भी मैक्सिमाइज होगा, ये ध्यान रखना है आपको, जो मैं बोलूँ उसको ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। रेंज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस कॉन्स्टेंट विल ऑल्सो भी मैक्सिमाइज। लेट मी से कि कोई वाई है और इसको मैक्सिमाइज करना है एच के रिस्पेक्ट में, तो यू ऑलरेडी नो कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमा होता, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी एच माइनस एच स्क्वायर, दिस वाई थिंग इज। तो डी वी बाई डी एच को जीरो करेंगे तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, एच माइनस टू एच आएगा, तो फिर ये जीरो जब इसको करोगे तो एच की वैल्यू आएगी एच बाई टू। तो यानी कि अगर हाइट को 40 सेंटीमीटर पे रखा जाए नीचे से, तो आपका मैक्सिमम दूरी पर जो है रेंज सबसे बड़ा होगा। तो यही था बच्चों, और इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन कर डाला है 33, 34 एंड 35। आई होप कि समझ में आया हो आपको, ठीक है। तो फिर हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बच्चों फोकस करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग बच्चों, बाय बाय। जरूर से ज़रूर शेयर करें वीडियोस को, और भी और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का लगा, और यहाँ तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ा, ऐसे ज़बरदस्ती का इंटीग्रेशन था बच्चों। ईजी था, मतलब कुछ भी ऐसा खास नहीं होता कि बहुत टफ होते हैं बच्चों। आपने सारे 35 क्वेश्चन देखे ही हैं, आपको ऐसा कुछ भी, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आप अगर अच्छे से कर लें ना काम। ज़्यादातर बच्चे वही रोटेशनल और उसी को समझते हैं कि वो 11th है। 11th इज़ वेव्स ऑल्सो, 11th इज़ फ्लूड्स ऑल्सो, 11th इज़ थर्मोडाइनमिक्स ऑल्सो, 11th इज़, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कम मेहनत करते हैं, दे कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। तो फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स एंड बेटर फोकस ऑन दीज ईजियर टॉपिक्स, तो कम मेहनत पे आप इनको करके ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे और करते रहेंगे, एंड होप सो जल्दी जल्दी वीडियो अब हम लोग लाएँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है बच्चों, ठीक है। आज काफ़ी देर से लगे हुए थे, तो अब जाके तो थोड़ा बहुत सेटिंग सही हुई है, स्टिल कुछ कुछ गड़बड़ियाँ आपको लगी होंगी। मैं भी काफ़ी थक गया था ये सब कर करके, तो आई थॉट कि भैया आज तो किसी तरीके से वीडियो लाना ही लाना है आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, सी यू गाइस।